प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई पहुंचे। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन ने मोदी को गले लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री एलन मोदी कार्यक्रम में पहुंचे और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने नया इतिहास रच दिया है, यहाँ हर धड़कन कह रही है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। इस मौके पर पीएम मोदी ने अबू धाबी में बने मंदिर के लिए जमीन मिलने से जुड़ा वाक्या भी बताया। उन्होंने कहा कि 2015 में आप सबकी ओर से मैंने यहाँ एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक पल भी गवाए बिना हाँ कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे मैं वह आपको दे दूंगा। और देखिए अब अबू धाबी में भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का दिन आ गया है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम मोदी का 7वां यूएई दौरा है। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे। उन्होंने 2018 में और 2019 में भी यूएई का दौरा किया था। वहीं 2019 में यूएई सरकार ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। बता दें कि मोदी जून 2022 और जुलाई 2023 में दुबई गए थे। इस दौरान राष्ट्रपति अल नाहयन ने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था। आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। टेक्नोलॉजी हर प्रकार से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक की डिसरप्टर साबित हो रही है। टेररिज्म आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहे हैं। क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टम्स बिखरा हुआ नजर आता है और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सवालों, इन चुनौतियां, इन स्थितियों के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का महत्व और बढ़ गया है।